इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद हमें अब हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, कितना वर्क हमें करना होगा टू इंक्रीज द पोटेंशियल, ताकि वोल्टेज या पोटेंशियल को इंक्रीज किया जा सके ऑफ ए चार्ज, वो पोटेंशियल जो इस चार्ज पर अप्लाइड है. चार्ज कितना है? 2.5 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है, और उसमें पोटेंशियल में चेंज कितनी करनी है? 100. इनिशियल कितना है वो भी हमें नहीं चाहिए, फाइनल कितना है हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए कि 100 वोल्ट का इंक्रीज आए. फाइनल इनिशियल का हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब यहाँ से हम डेटा डिराइव करते हैं. गिवन डेटा में गिवन डेटा हमें गिवन है कि चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम. ये चार्ज गिवन है, और इंक्रीज कितना आना चाहिए? 100 वोल्ट का इंक्रीज आना चाहिए. तो ये चेंज है, चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल, ये 100 वोल्ट का होना चाहिए. और हमें कहा गया है कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, कितना वर्क हमें करना होगा. तो ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है वर्क डन. सॉल्यूशन हमने फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन के लिए, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा. वो फार्मूला क्या था? V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q, W डिवाइड बाय Q. अब हमें क्या चाहिए? ये सिर्फ वोल्टेज नहीं है, ये चेंज इन वोल्टेज है. गिवन हमें चेंज इन वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम डेल्टा का निशान लगा देंगे. रिक्वायर्ड को देखें, W रिक्वायर्ड है, W यहाँ पर है, राइट साइड पर है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे. यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो जब ये W यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो W1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू चेंज इन V इंटू क्यू. ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए हैं. अब ये फॉर्मूला सेट है डेटा पुट करने के लिए. W इज इक्वल टू डेल्टा V, डेल्टा V हमें कितना गिवन है? 100 वोल्ट का. डेल्टा V इज इक्वल टू 100 वोल्ट. और Q कितना है? 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम. इस 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 × 10, और 10 × 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻². तो अगर इसको मैं 10⁻² लिखूं और 10⁻⁷ यहाँ पर गिवन है, तो फिर हम बेस को कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, W इज इक्वल टू इसको मैं लिख रहा हूँ 10⁻² × 2.5, या इसको मैं आगे लिख रहा हूँ इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2.5, और वोल्टेज इंटू कूलम, वोल्ट कूलम. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2.5 अपनी जगह पर, इन दोनों के दरमियान बेस कॉमन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. −7 + 2 इज इक्वल टू −5 वोल्ट कूलम, और या आप इसकी जगह पर इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, जो कि है W इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁵ और वर्क डन के लिए जूल, वोल्ट कूलम जूल के बराबर है. ये हमारा आंसर है.